गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में मैं पुनः गुरुकुल परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। छतगण, जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखिए कि वर्तमान में जीना सीखिए। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कर्म का सिद्धांत दिया है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। छतगण, कर्म हमेशा सकारात्मक, अच्छे, सही दिशा में पुण्य से संबंधित होने चाहिए और इनका फल जरूर मिलता है। इसलिए कर्म करने में कोई कोताही ना बरतें, आलस को अपने आसपास फटकने ना दें और हमेशा मेहनत करते रहें, फल निश्चित तौर पर मिलेगा। देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता है। छात्रगण, हो सकता है भगवान ने आपके लिए कोई बहुत अच्छा सोचा हुआ हो और उसके लिए आपसे ज्यादा मेहनत करवा रहे हो। छात्रगण, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है और सफलता के लिए कठिन परिश्रम यदि आप करते हैं तो देर सवेर ही सही फल तो आपको मिलता ही मिलता है। और इतिहास गवाह है कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इसलिए छात्रगण, मेहनत करें, जीवन में कभी भी जो है नकारात्मक विचारधारा को अपने आसपास फटकने ना दें और हमेशा एक सूत्रीय फार्मूला रखें कि कैरियर निर्माण मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। जब तक मैं अपने कैरियर को एक नई दशा और दिशा नहीं दूंगा तब तक मैं जीवन में रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, थमूंगा नहीं। छतगन, इन्हीं सब सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई बातों के साथ आज कक्षाओं की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। विगत कक्षाओं में भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग ने भारतीय संविधान की भाषाओं के बारे में पढ़ा था और एक शानदार ट्रिक मैंने आपको दिया था, सेंधा नमक बोडो मास। कौन सा ट्रिक दिया था छतगन मैंने आपको? सेंधा नमक बोडो मास, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, है ना? बोडो मास, बो से बोडो, डो से डोंगरी, मा से मैथिली, स से संथाली। छतगन, ध्यान रखिएगा, ये संविधान के 22 भाषाओं के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि कौन कौन सी भाषाएं किन राज्यों में प्रमुखता से बोली जाती है और संविधान के भाषाओं का क्या क्या महत्व है इसे जानेंगे। छतगन, लिखिएगा छतगन, तीर का निशान, संविधान की भाषाएं, हेडिंग आपकी बन चुकी है, संविधान की भाषाएं, लिखेगा, लिखे। संविधान के अनुच्छेद 343 में, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी, हिंदी और लिपि, और लिपि देवनागरी, देवनागरी को बतलाया गया है, बतलाया गया है। नेक्स्ट, संविधान में, संविधान में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है, संविधान में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है, नहीं है, परंतु, परंतु सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा, भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, अंग्रेजी है। नेक्स्ट, नागालैंड राज्य की, नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा, नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा भी अंग्रेजी है, नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा भी अंग्रेजी है। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, हिंदी है, तथा दूसरा स्थान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्रगण,
दूसरा स्थान बंगाली का है, स्थान बंगाली का है, है। नेक्स्ट, भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में, भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा को जाना जाता है। शास्त्रीय भाषा के रूप में संस्कृत भाषा को जाना जाता है, जाता है। नेक्स्ट, भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं का वर्णन निम्न है। भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं का वर्णन निम्न है, है। देखेंगे छात्रगण, नंबर एक असमिया, असमिया डज देखे लिखेगा, असम राज्य कहां पे बोली जाती है छात्रगण? असम में, असमिया है तो असम में बोली जाएगी, असम को असोम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, बंगाली, बंगाली मुख्य रूप से कहां बोली जाएगी आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, गुजराती, गुजरात। नेक्स्ट, हिंदी, हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार कौमा देखे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, कन्नड़, कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है छात्रगण। नेक्स्ट, कश्मीरी, जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है वहां बोली जाती है। नेक्स्ट, कोंकणी, कोंकणी पूछ चुका है ये क्वेश्चन, कोंकणी गोवा में बोली जाती है, दस देख लिखेंगे गोवा। नेक्स्ट, मलयालम ये भी पूछा जाता है छात्रगण, मलयालम किस राज्य में बोली जाती है बताइए छात्रगण? केरल, केरल राज्य में बोली जाती है, वेरी गुड केरल। नेक्स्ट, मराठा, ये तो बहुत आसान है आप तुरंत बता देंगे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी कहां के थे? महाराष्ट्र, शिवाजी महाराज मराठा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, मणिपुरी, ये भी बहुत आसान है, मणिपुर। नेक्स्ट, नेपाली, ये कई राज्यों में बोली जाती है, नेपाली, मिजोरम, मेघालय एवं उत्तर पूर्वी के राज्य, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं साधगण, वहां पे नेपाली बोला जाता है, जो नेपाल से सटे हुए भी हैं, नेपाली। नेक्स्ट, उड़िया, ओडिसी भाषा जिसको कहा जाता है, उड़िया ये ओडिशा में बोला जाता है छात्रगण, ओडिशा नाम पड़ गया है नया। नेक्स्ट, पंजाबी, ये भी आसान है आपके लिए, पंजाबी ये भी पंजाब राज्य में बोली जाती है छात्रगण, पंजाबी पंजाब राज्य में। संस्कृत, संस्कृत यह उत्तर प्रदेश राज्य में बोली जाती है, यूपी। नेक्स्ट, सिंधी, सिंधी या गुजरात राज्य में बोली जाती है छात्रगण। नेक्स्ट, तमिल, तमिल भी आप जानते हैं, तमिलनाडु राज्य में बोली जाती है। नेक्स्ट, तेलुगु, तेलुगु ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में बोली जाती है, तेलंगाना नया राज्य बन चुका है छात्रगण जानते हैं आप,
आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, तेलुगु। नेक्स्ट उर्दू, उर्दू लिखेगा उत्तर प्रदेश एवं जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश एवं जम्मू एवं कश्मीर। नेक्स्ट बोडो, बोडो भाषा किस राज्य में बोली जाती है छात्रगण? बोडोलैंड की मांग कहां पे होती है बताइए? असम, असम। नेक्स्ट मैथिली, मैथिली, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। मैथिल कोकिल विद्यापति कहां के थे? मिथिलांचल, दरभंगा, समस्तीपुर, ये सब जिले कहां पे हैं? बिहार, मिथिलांचल है ना। मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। पूछता है क्वेश्चन कि किसे मैथिल कोकिल कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। कहां के थे? मिथिलांचल, बिहार के, है ना। तो मैथिली भाषा बिहार में बोली जाती है, मिथिलांचल क्षेत्र में, दरभंगा, समस्तीपुर। नेक्स्ट संथाली, संथाली छतगन, ये झारखंड की भाषा है जो कि संथाल परगना क्षेत्र में बोली जाती है। झारखंड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है ये संथाली। आदिवासियों के भी, जनजातियों के भी सबसे ज्यादा बोली जाती है संथाली, और सबसे ज्यादा जनजातियों की जनसंख्या भी है संथाली जनजाति की, है ना। संथाली झारखंड लिखेंगे छतगन। डोंगरी, डोंगरी डैश देकर लिखेंगे छतगन। जम्मू कश्मीर, डोंगरी डैश देके लिखेंगे जम्मू कश्मीर। तो यह है छतगन संविधान में वर्णित भाषाओं के नाम और किन किन राज्यों में वो बोली जाती हैं उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेहद ही बेशकीमती, बेहद ही महत्वपूर्ण और जबरदस्त रूप से छतगन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इसे हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए याद रखना होगा, मनन करना होगा, अध्ययन करना होगा और एक एक चीजों को याद रखना होगा छतगन, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगली टॉपिक का हेडिंग बनाएगा छतगन, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन, संशोधन लिखेंगे छतगन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में है, संविधान के अनुच्छेद 368 में है, है। नेक्स्ट संविधान संशोधन भारतीय संविधान के भाग 20 में है, भाग 20 में है, है। नेक्स्ट संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तीन प्रकार से की जा सकती है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया तीन प्रकार से की जा सकती है, की जा सकती है, है। नंबर एक साधारण बहुमत के द्वारा,
साधारण बहुमत के द्वारा लिखेगा। इसके तहत संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों का हाफ प्लस वन के द्वारा संविधान का संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट, दोनों सदनों के साधारण बहुमत के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाने से संशोधन पूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट, साधारण बहुमत के द्वारा निम्न विषयों को संशोधित किया जाता है। नंबर एक, राज्य के क्षेत्र सीमा एवं नाम में परिवर्तन नंबर दो, राज्यों में विधान परिषद का गठन एवं समापन। नंबर तीन, नागरिकता संबंधी नियम। अब लिखेंगे शब्दगण। नंबर दो पॉइंट, ये हुआ साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। और दूसरा लिखेंगे शब्दगण, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन लिखिए। संसद के दोनों सदनों के दो बटा तीन अर्थात विशेष बहुमत के द्वारा संविधान को संशोधित किया जाता है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों से दो बटा तीन अर्थात विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक पर
उस विधेयक पर हस्ताक्षर किए जाने से वह विधेयक संशोधित माना जाता है, वह विधेयक संशोधित माना जाता है जाता है। नेक्स्ट तीर का निशान, विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित होने वाले विषय निम्न हैं, निम्न हैं। नंबर एक, मौलिक अधिकार। नंबर दो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तत्व इत्यादि। अब देखिएगा नंबर तीन, तीसरे तरह का संशोधन का प्रक्रिया शायद जो सबसे जटिल प्रक्रिया है। देखिएगा, संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ साथ, बहुमत के साथ साथ संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ साथ देश के आधे से अधिक, देश के आधे से अधिक राज्यों की, देश के आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा द्वारा संशोधित होने के बाद ही, संशोधित होने के बाद ही इस विधेयक को, इस विधेयक को संशोधित माना जाता है, संशोधित माना जाता है, इस विधेयक को संशोधित माना जाता है, है। इसके पश्चात राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करते हैं, राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करते हैं, करते हैं। नेक्स्ट, इस प्रकार के संशोधन से जुड़े विषय, विषय निम्न है, हैं। नंबर एक, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। नंबर दो, केंद्रीय न्यायपालिका। नंबर तीन, केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। नंबर चार, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो ये है छात्रगण संविधान संशोधन का परिचय। छात्रगण, क्या सवाल आएंगे, क्या जवाब आपको देना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्रगण, संविधान संशोधन आखिर होता क्या है? छात्रगण, जिस प्रकार आप प्रत्येक वर्ष दिवाली के अवसर पर, ईद के अवसर पर
घर का रंग रोगन करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कहीं टूट फूट हो जाती है तो मरम्मत करते हैं, सुधार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से संविधान में भी यदि कोई कमी रह जाती है तो इसको छात्रगण संशोधित किया जाता है, सुधारा जाता है, नए चीजों को समावेश किया जाता है। लेकिन छात्रगण संविधान के मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक मकान है उसमें आप कमरे में रंग रोगन डेंटिंग पेंटिंग है ना सब कुछ कर सकते हैं, सामानों को इधर उधर भी कर सकते हैं, लेकिन आप कहिएगा कि नहीं सर पूरे घर को ही हम तोड़ के नए सिरे से एक नया घर बनाएंगे, ये संभव नहीं है। छतगन ये किस केस में हुआ था ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय किस केस में दिया था कि संविधान के मूल ढांचा मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। तो छतगन इसे आपको ध्यान में रखना होगा, मनन करना होगा, अध्ययन करना होगा और एक एक चीजों को छतगन याद रखना होगा। एक एक चीजें बेसकीमती हैं, एक एक चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक एक चीजें बहुत ही जबरदस्त रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती है, पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए। छतगन दूसरी बात जो आपसे पूछी जाएगी आपको ध्यान देना है, आपको मनन करना है, आपको याद रखना है और आपको स्मरण करना है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए वह भी बहुत ही हिट क्वेश्चन है और वह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही जबरदस्त रूप से आता है। छतगन ध्यान दीजिएगा, छतगन सवाल पूछे जाएंगे आपसे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। छतगन संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 20 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 368 में है। छतगन ध्यान रखिएगा, बहुत ही हिट क्वेश्चन है ना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में, छतगन 368। किस देश से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका। किस भाग में है, भाग 20 में है, गौर करेंगे। फिर आपसे पूछेगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि संविधान के भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कितने प्रकार से की जा सकती है। छतगन संविधान संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार से की जा सकती है। छतगन किन किन प्रकार से उसे भी ध्यान दीजिएगा। छतगन पहला जो प्रकार है वो सामान्य सा प्रकार है, जनरल एक समझ लीजिए रूल है ना, सामान्य साधारण बहुमत। छतगन क्या है सामान्य या साधारण बहुमत, छतगन संसद के दोनों सदनों के द्वारा उनकी सदस्य संख्या का हाफ प्लस वन, यदि 100 सदस्य हैं तो हाफ कितना हुआ 50 प्लस वन इक्वल टू 51। 51 सदस्यों ने यदि ओके कर दिया, लोकसभा ने, राज्यसभा ने भी हाफ प्लस वन से ओके कर दिया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, तो वह संविधान संशोधन माना जाएगा। छतगन ध्यान रखिएगा, छतगन साधारण बहुमत में कौन कौन विषय आते हैं, नए राज्य की स्थापना, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन। छतगन बिहार से झारखंड राज्य बना तो कौन सा संशोधन हुआ होगा, यही संशोधन हुआ होगा। छतगन साथ ही साथ आपको संविधान के इस संशोधन के तहत विधान परिषद की स्थापना और समापन भी किसी राज्य में होता है तो उसके लिए भी साधारण बहुमत की ही आवश्यकता होती है। छतगन इसे भी याद रखना होगा। पूछेगा किसी भी नए राज्य की स्थापना, क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन संविधान में किस प्रकार से संशोधित किए जाते हैं, नंबर 1 साधारण बहुमत के द्वारा, नंबर 2 विशेष बहुमत के द्वारा, नंबर 3 दोनों के द्वारा, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो छतगन साधारण बहुमत के द्वारा, सामान्य बहुमत के द्वारा। दूसरा आपसे पूछेगा इसी क्रम में, साधारण बहुमत से आपका क्या तात्पर्य है, नंबर 1 देगा हाफ प्लस वन, नंबर 2 देगा 2/3, नंबर 3 देगा 1/3, नंबर 4 देगा 1/4। तो छतगन आपको लगाना होगा हाफ प्लस वन, दैट इज सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत, ध्यान रखिएगा। फिर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किसी राज्य में यदि विधान परिषद का निर्माण करना है या विधान परिषद को समाप्त करना है
तो किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता संशोधन के लिए होगी? नंबर एक साधारण बहुमत, नंबर दो विशेष बहुमत, नंबर तीन ए और बी दोनों, नंबर चार इनमें से कोई नहीं। तो साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी छात्रगण, सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होगी, यह भी छात्रगण आपको ध्यान रखना होगा, यह भी मनन करना होगा, यह भी याद रखना होगा। तो छात्रगण साधारण बहुमत से जुड़े हुए हर पहलू को याद रखिएगा। पूछेगा संविधान में संशोधन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन में देगा पहला मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए विषय, दूसरा देगा विधान परिषद के निर्माण और समापन से जुड़े हुए विषय, तीसरा देगा नए राज्य के निर्माण, सीमा में परिवर्तन, नाम और क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित विषय, नंबर चार देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको छात्रगण लगाना होगा मौलिक अधिकार से जुड़े हुए विषय, क्योंकि मौलिक अधिकार से जुड़े हुए विषय छात्रगण साधारण बहुमत से नहीं संशोधित किए जाते हैं, विशेष बहुमत का सहारा लेना पड़ता है, 2/3 के विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करना पड़ता है। इसलिए छात्रगण इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा और एक एक चीजों पर पैनी निगाह रखनी होगी, एक एक चीजों को ध्यान देना होगा। छात्रगण दूसरी बात जो आपसे पूछी जाएगी, आपको याद रखना होगा, आपको गौर करना होगा और आपको एक एक चीजों को मनन करना होगा, एक एक चीजों का अध्ययन करना होगा। छात्रगण विशेष बहुमत क्या होता है? ऑप्शन देगा हाफ, दूसरा देगा हाफ प्लस वन, तीसरा देगा 1/4, चौथा देगा 2/3। तो क्या लगाइएगा? 2/3 है ना छात्रगण, ये क्या होता है? विशेष बहुमत होता है, ये स्पेशल मेजोरिटी। विशेष बहुमत होता है छात्रगण, इसलिए आपको इस पर भी पैनी निगाह रखनी होगी, इसे भी ध्यान देना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा। तो छात्रगण गौर कीजिएगा आखिर विशेष बहुमत क्या है, तो 2/3 को विशेष बहुमत कहा जाता है। छात्रगण गौर करेंगे, छात्रगण विशेष बहुमत के द्वारा संसद के दोनों सदनों से पारित करने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और वह विषय संशोधित माना जाता है। छात्रगण मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं वो विशेष बहुमत के द्वारा संसद से पारित किए जाते हैं। छात्रगण ध्यान रखिएगा विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को यदि संशोधित करना है तो उसके लिए भी छात्रगण विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। पूछेगा मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? नंबर एक साधारण बहुमत, नंबर दो विशेष बहुमत, नंबर तीन दोनों, नंबर चार इनमें से कोई नहीं। विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है मौलिक अधिकारों में जो करना है छात्रगण, मौलिक अधिकारों को संशोधित करना है उसमें किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, 2/3 की मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। छात्रगण पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए और एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को याद रखें, एक एक चीजों को गौर करें। छात्रगण दूसरी बात जो आपसे पूछी जाएगी, जो आपको ध्यान में रखना होगा, जो आपको मनन करना होगा, जो आपको स्मरण करना होगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा विषय ऐसा है जिसे विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है? नंबर एक मौलिक अधिकारों से संबंधित संशोधन, नंबर दो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित संशोधन, नंबर तीन राष्ट्रपति के चुनावों से जुड़े हुए संशोधन, नंबर चार इनमें से कोई नहीं। तो छात्रगण राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े हुए संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। विशेष बहुमत के साथ साथ देश के आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं की भी स्वीकृति आवश्यक होती है, तभी वह संशोधन माना जाता है छात्रगण। तो यह है छात्रगण विशेष बहुमत का संशोधन, जो कि टाइप 2 हम लोगों ने जाना। पहला टाइप आपने जाना छात्रगण हाफ प्लस वन, जो कि साधारण बहुमत कहलाता है ना। दूसरा आपने जाना 2/3, जो कि विशेष बहुमत कहलाता है। और तीसरा छात्रगण संशोधन का सबसे जटिल प्रक्रिया है, ये सबसे कठिन प्रक्रिया है। क्या है ये प्रक्रिया छात्रगण? देश के आधे से भी अधिक राज्यों की विधानसभाओं से पारित करना होगा छात्रगण। पहले तो संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 के विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना ही होगा, साथ ही साथ देश के आधे से भी अधिक राज्यों की विधानसभाओं से इसे पारित करना होगा, तभी राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे और तब यह संशोधन माना जाएगा। सोचिए छात्रगण कितना लंबा समय लगेगा इसमें, कितनी जटिल प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। इसलिए कहा गया कि हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों है। लचीला इसलिए है कि हम साधारण बहुमत से भी संशोधित कर रहे हैं विषयों को, नए राज्यों की स्थापना साधारण बहुमत,
है ना चातगन, विधान परिषद का निर्माण और समापन साधारण बहुमत, लेकिन जटिल भी कैसे है छतगन, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में यदि हमें कोई भी नियमों को परिवर्तित करना है तो छतगन न तो साधारण बहुमत से हो सकता है न विशेष बहुमत से हो सकता है, तो कैसे होगा छतगन? वो छतगन देश के आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से इसे पारित करना होगा, लेकिन उसके पहले लोकसभा से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा, राज्यसभा से विशेष बहुमत से पारित करना होगा, 2/3 से प्रस्ताव पारित करना होगा, फिर देश के आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं से इसे पारित करना होगा छतगन, तभी यह संशोधन पूरा हो पाएगा और तब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे। तो यह सबसे जटिल प्रक्रिया है। छतगन पूछेगा राष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो तो किस प्रकार के संशोधन को अपनाना होगा? 1 साधारण बहुमत का संशोधन, 2 विशेष बहुमत का संशोधन, 3 विशेष बहुमत के साथ साथ देश के आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा संशोधन, 4 इनमें से कोई नहीं। तो विशेष बहुमत, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ साथ देश के आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा संशोधन होगा, तभी यह जटिल प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी छात्रगण। इसलिए याद रखिएगा छात्रगण, समय समय पर जिस प्रकार से घर में रंग रोगन, डेंटिंग पेंटिंग, टूट फूट की मरम्मत आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से संविधान को भी संशोधित करने के लिए छात्रगण समय समय पर संविधान को संशोधित करना पड़ता है, ताकि संविधान के नए अपडेट्स हो सके और ऐसे चीजें जो संविधान में जरूरी हैं उन्हें शामिल किया जा सके। तो छात्रगण संविधान संशोधन की प्रक्रिया का यह परिचय है। अब हम लोग जानेंगे कि संविधान में हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं और इन संशोधन के तहत क्या क्या किया गया है, इसे हम लोग जानेंगे। लिखेंगे छात्रगण, प्रथम संशोधन लिखिए, 1951 में इस संशोधन के द्वारा संविधान में नवम अनुसूची को शामिल किया गया, जिसका मुख्य विषय भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन है। आ चुका है क्वेश्चन छात्रगण, जिसका मुख्य विषय भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन है। छतगन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। पैन निगाहें आपको रखनी होगी और एक एक चीजों को ध्यान देना होगा, एक एक चीजों को गौर करना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा। पूछेगा संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया, 1951 में संविधान में कौन से अनुसूची को शामिल किया गया? तो छात्रगण आपको याद है संविधान जब लागू हुए थे तो अनुसूचियों के शेड्यूल्स की संख्या कितनी थी, 8, लेकिन अभी कितनी है, 12 है। छात्रगण 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। छतगन संविधान में एक नई अनुसूची शामिल की गई, इसका नाम था नवम अनुसूची, 9th शेड्यूल। विषय क्या था छतगन? भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स, और जमींदारी का उन्मूलन। हमारे देश में जो जमींदारी प्रथा वर्षों से कृषकों का शोषण कर रही थी, अत्याचार कर रही थी, इसको समाप्त कर दिया गया और भूमि का सुधार किया गया था। लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी उन्मूलन इसी के विषय थे। 9th शेड्यूल को शामिल किया गया था प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा छतगन, है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा छतगन, अगले संशोधन की ओर प्रवेश करेंगे छतगन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षा में। इंपॉर्टेंट संशोधनों को ही केवल हम लोगों को पढ़ना है छतगन, बाकी समझौतों संशोधनों के अध्ययन हमें नहीं करने हैं, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना होगा। लिखेगा 7वां संशोधन लिखे 1956 में इस संशोधन द्वारा 1956 में इस संशोधन के द्वारा
भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का, राज्यों का पुनर्गठन, पुनर्गठन किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तथा भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य को, आंध्र प्रदेश राज्य को 1956 में, 1956 में 1956 1956 में पहला राज्य का दर्जा दिया गया, पहला राज्य का दर्जा दिया गया। क्या सवाल आएंगे छात्रगण, गौर कीजिएगा। सातवां संविधान संशोधन कब किया गया था, 1956 में किया गया था। सातवां संविधान संशोधन का मुख्य विषय क्या था, भाषा के आधार पर राज्यों को दर्जा दिया जाना, भाषाई आधार पर, लैंग्वेज के आधार पे। छात्रगण, भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य जिसका निर्माण किया गया था कौन सा था, आंध्र प्रदेश। कब निर्माण किया गया था, 1956 में किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है छात्रगण, कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट लिखेंगे छात्रगण, दसवां संशोधन, दसवां संशोधन लिखे 1961 में, 1961 में इस संशोधन के द्वारा, इस संशोधन के द्वारा पुर्तगाली सत्ता से मुक्त कराकर, पुर्तगाली सत्ता से मुक्त कराकर दादर एवं नागर हवेली को, को भारत में शामिल कर, कर इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। पूछेगा दादर नागर हवेली को पुर्तगाली सत्ता से मुक्त कराकर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, तो दसवें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। किस वर्ष दिया गया, 1961 में दिया गया। छात्रगण ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट लिखेगा 12वां संविधान संशोधन, 12वां संविधान संशोधन लिखे 1962 में इस संशोधन के द्वारा, द्वारा पुर्तगाली सत्ता से मुक्त कराकर, पुर्तगाली सत्ता से मुक्त कराकर गोवा, गोवा दमन एवं दीव, गोवा दमन एवं दीव, दीव को भारत में, भारत में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, गया। छात्रगण ध्यान देंगे, पूछेगा किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा दमन और दीव को पुर्तगाली सत्ता से मुक्त कराकर भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया, तो 12वां संविधान संशोधन किस वर्ष, तो 1962 में यह किया गया था। छात्रगण ध्यान रखिएगा, गोवा दमन और दीव किसके अधीन था, पुर्तगालियों के अधीन था। छात्रगण इसे भी आपको याद रखना है, मनन करना है और अध्ययन करना है। तो आज छात्रगण हम लोग यहीं पर कक्षाओं का विराम देंगे। अगली कक्षाओं में हम लोग संविधान के और भी कई संशोधन जो हुए हैं, है ना, उसके तहत किन किन राज्यों का निर्माण हुआ, किसके तहत किस संविधान संशोधन को संविधान की आत्मा कहा गया है,
किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा और भी क्या क्या चीजें की गई हैं, ये सारी चीजों को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तब तक के लिए छात्रगण, आप सबों को मेरी शुभकामनाएं, ढेरों आशीर्वाद, और अपने आप को एकाग्र रखें और पढ़ाई के प्रति समर्पित भाव से मेहनत करें, कठिन परिश्रम करें, यही मेरी आप लोगों से विनम्र अनुरोध होगा, हम्बल रिक्वेस्ट होगा। थैंक यू।